लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान। सोनेलाल जयंती के आयोजन का मामला, कार्यक्रम स्थल न मिलने से नाराज है पल्लवी पटेल। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान। सोनेलाल जयंती के आयोजन का मामला, कार्यक्रम स्थल न मिलने से नाराज है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान। सोनेलाल जयंती को लेकर काफी घमासान चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नाराजगी व्यक्त करी जा रही है। पल्लवी पटेल ने काफी नाराजगी जाहिर की है, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल पर कई आरोप भी लगाए हैं। तस्वीरों में आप ओपी राजभर को भी देख सकते हैं। आज जिस तरह से सोनेलाल जयंती का अवसर है और अनुप्रिया पटेल ने और कृष्णा पटेल ने आज सोनेलाल जयंती मनाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने आज सिर्फ जयंती मनाई है और कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल को जयंती मनाने के लिए अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से काफी नाराज हैं और अनुप्रिया पटेल पर काफी आरोप भी लगाए हैं। सोनेलाल जयंती आयोजन का मामला है और पल्लवी पटेल अब धरने पर भी बैठ गई है। कार्यक्रम स्थल ना मिलने की वजह से काफी नाराज है पल्लवी पटेल। और इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं लखनऊ से। नितिन, जिस तरह से आज सोनेलाल जयंती का मामला है, अवसर है और इस मानवानी मैडम देखिए यहाँ पे धरने पर बैठ गई है, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस पहले भी होटल के अंदर भी रोकने की कोशिश कर रही थी पल्लवी पटेल को, कृष्णा पटेल को, क्योंकि सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर के जो पूरा विवाद आज राजधानी लखनऊ में छिड़ा है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल एक तरफ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पूरे कार्यक्रम को मना रही है और दूसरी तरफ जब पल्लवी पटेल ने कई सारे वेन्यूज के लिए एप्लीकेशन दिया था और वेन्यूज मांगे थे, लेकिन उनको वो वेन्यू नहीं दिए गए और आखिरी समय पर उनके सारे वेन्यूज को कैंसिल कर दिया गया, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल काफी नाराज थी। कृष्णा पटेल के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बात को कहती हुई नजर आई कि आज जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी कि हमें इस कार्यक्रम को ना करने दिया जाए और कहीं ना कहीं इसमें अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल जो कि रक्षा मंत्री भी हैं सरकार में, उनकी तरफ से ये कोशिश की गई थी कि इस तरह का कार्यक्रम जो है, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी जो संगोष्ठी का कार्यक्रम है, उसे रोक दिया जाए, उसे ना होने दिया जाए और बिल्कुल उसी तरह से होने भी दिया गया। पल्लवी पटेल अब देखिए बिल्कुल साफ तौर पर गाड़ी यही वो गाड़ी है जिसमें पल्लवी पटेल को और उनकी माँ को कृष्णा पटेल को लेकर के जाया जा रहा है, इसी गाड़ी में पल्लवी पटेल और उनकी माँ को ले जाया जा रहा है। ये होटल हयात, इसी होटल हयात ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल ने और उनको उन्होंने साफ तौर पर कई सारे जो आरोप हैं वो मौजूदा सरकार पर लगाए हैं, अपनी दूसरी बेटी और उनके पति यानी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के ऊपर भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं आपको तो कहीं ना कहीं जो पल्लवी पटेल गई थी तो क्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का घेराव भी कर सकती हैं पटेल? देखिए जब होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो होटल से निकलते वक्त ही जो पल्लवी पटेल हैं उनकी साफ उनकी तरफ से साफ तौर पर इस बात का कहा गया था कि हम यहां से सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं आप देखिए बिल्कुल साफ तौर पर देखिए वो लोग निकले थे यहाँ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने के लिए, लेकिन पहले ही पुलिस ने उन्हें होटल के पहले अंदर रोक लिया और उसके बाद होटल के बाहर जो पुलिस फोर्स मौजूद थी वहां पर पहले कार्यकर्ताओं को गेट बंद करके रोका गया था और गेट से अंदर गाड़ी आई और उसी गाड़ी के अंदर पल्लवी पटेल को बैठा करके ले जाया जा रहा है, इसी वो गाड़ी में पल्लवी पटेल को पुलिस लेकर के जा रही है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर पुलिस देखिए बिल्कुल पल्लवी पटेल इस गाड़ी में जा रही है, पल्लवी पटेल को पुलिस लेकर के जा रही है और बताया जा रहा है कि इनको हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जो इनके कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को भी दूसरी तरफ इनके कार्यकर्ता जो है उन कार्यकर्ताओं को भी बस में भर करके पुलिस ले जा रही है और कहीं ना कहीं जब पल्लवी पटेल इसके पहले जब पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठाया था तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल ने इस बात की नाराजगी जताई थी कि उनके कार्यकर्ताओं को भी सुनिश्चित किया जाए कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया जाएगा, क्या उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस लेके जा रही है, यहाँ छोड़ रही है। हालांकि सभी कार्यकर्ताओं को भी अब पुलिस जो है
कहीं ना कहीं लेकर के जा रही है और पल्लवी पटेल उनकी मां कृष्णा पटेल को लेकर के पुलिस इस वक्त जाती हुई नजर आई। इसके पहले होटल में बड़े पैमाने पर पुलिस के अधिकारी थे वो मौजूद थे और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही होटल में पहुंच करके जो इन लोग का आगे का कार्यक्रम था उसे कहीं ना कहीं रोकने की जो कोशिश थी वो की। जी हम देख सकते हैं किस तरह से वो जा रही हैं और अब ये भी कहा गया था कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का घेराव करेंगी, तो क्या लगता है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी या फिर वहां पे अनुमति मिलेगी प्रदर्शन करने के नेतृत्व? देखिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की अगर बात करी जाए तो अब पल्लवी पटेल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान नहीं जाएंगी, वो गाड़ी से निकली है, उन्हें पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, पुलिस उन्हें हिरासत में ले चुकी है और यहाँ से कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो निकट का जो पुलिस का कार्यालय है वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। यहाँ पर डीसीपी नॉर्थ भी मौजूद थी, उनको वहीं कहीं ना कहीं वहां ले जाया जाएगा और वहां से उनको जो आगे की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। जी और जिस तरह से आज ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, आज जयंती मनाई गई है अनुप्रिया पटेल द्वारा, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे नितिन? देखिए पूरी घटनाक्रम की अगर हम आपको बताएं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दो बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने थे, पहला सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर के जो अनुप्रिया पटेल करने वाली थी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो आज हो रहा है और दूसरा जो पल्लवी पटेल है उनकी मां है कृष्णा पटेल ये लोग करने वाले थे। इसको लेकर के इन लोगों ने कई सारे जो वेन्यू थे उनको बुक किया था लेकिन वेन्यूज को कहीं ना कहीं आखिरी समय पर कैंसिल कर दिया गया, उनको कोई भी वेन्यू नहीं मिला। इसी का आरोप कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल लगाती हुई नजर आई है कि ये जानबूझकर सरकार की तरफ से सरकार की मंशा के तहत हमारे जो वेन्यू थे उन वेन्यू को कैंसिल किया गया। पल्लवी पटेल उनके पति का भी हाथ इसमें है, कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष के बीच में इस तरह की जो सरकार और विपक्ष की ये लड़ाई हो गई है, परिवार की लड़ाई सब बता रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कृष्णा पटेल की तरफ से साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि ये जो पूरी लड़ाई है ये वर्चस्व की लड़ाई है। अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं उनके जो पति है कार्यकर्ताओं को भी पुलिस लेकर के जा रही है, शिकार पुलिस ने कार्यकर्ताओं को भी बस में बैठाया और कार्यकर्ताओं को भी लेकर के जा रही है। और बिल्कुल हम आपको बताएं तो इसी यही आरोप थे कि हमारे जो वेन्यू थे उन्हें क्यों कैंसिल किया गया, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले थे, हम किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन नहीं करने वाले थे, हम महज एक संगोष्ठी करने वाले थे और उस संगोष्ठी के जरिए सोनेलाल पटेल को याद करने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वेन्यू को कैंसिल किया गया तो उससे काफी नाराजगी जो थी वो पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल को थी। जी तो जिस तरह से आज जयंती मनाई जानी थी, सोनेलाल को याद किया जाना था लेकिन यहाँ पे कुछ और ही दृश्य देखने को मिला है, जहाँ एक तरफ जयंती मनाई गई तो दूसरी तरफ विरोध किया जा रहा है, तो इसको कार्यकर्ता किस नजर से देख रहे हैं नितिन? देखिए विरोध किसी प्रकार का नहीं है, विरोध दो परिवारों के बीच का है, दो परिवारों के बीच के वर्चस्व की लड़ाई है। वो परिवार जो कि पहले एक थे लेकिन अब अलग हो गए हैं, दोनों ही सगी बहनें हैं, दोनों ही एक ही माँ की और एक ही बाप की बेटियां हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। अनुप्रिया पटेल इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरी तरफ हैं पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल। पल्लवी पटेल सिराथू से इस बार जीत करके विधायक बनी है, विपक्ष में वो मजबूत नेता हैं, उनकी मां कृष्णा पटेल हैं। सिराथू से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, तो इन दोनों ही परिवारों के बीच की जो वर्चस्व की लड़ाई है वो काफी लंबे समय से चलती आ रही है। आज अगर इस लड़ाई की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से सोनेलाल पटेल जो कि इन दोनों के ही पिता थे, पार्टी के संस्थापक थे, उनके उनकी जयंती को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन था वो दोनों ही दलों की तरफ से किया गया था, अपना दल एस और अपना दल के की तरफ से, यानी अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी जो कि कृष्णा पटेल की कमेरावादी है और पल्लवी पटेल की सोनेलाल है। तो पल्लवी पटेल का आरोप यह है कि उन्होंने इस संगोष्ठी को लेकर के जितने भी जो वेन्यू थे उत्तर प्रदेश में, पहला तो उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बताया, वो कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा विश्वेश्वरिया हॉल पीडब्ल्यूडी विभाग का जो है वो भी कैंसिल कर दिया गया, रविंद्रालय को कैंसिल कर दिया गया, कई सारे जो वेन्यू थे उन सारे वेन्यूज को कैंसिल कर दिया गया सिर्फ ये चीज बता करके कि ये कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हो सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता थे वो भी इस संगोष्ठी में आए हुए थे आज इस संगोष्ठी में, और वो इस संगोष्ठी के जरिए कहीं ना कहीं सोनेलाल पटेल को याद करना चाह रहे थे लेकिन जिस तरह से पहले वेन्यू नहीं दिया गया, वेन्यू को लेकर के कल भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की थी लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शेड्यूल बिजी था, इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो अपनी शिकायत बताना चाह रही थी कि वो जहां जहां पर भी गई है वेन्यू को लेकर के, वेन्यू की परमिशन को लेकर के, तो उनसे इस बात को कहा गया है कि ऊपर से कुछ प्रेशर है और इसी प्रेशर की वजह से हम आपको वेन्यू नहीं दे सकते हैं।
पल्लवी पटेल का साफ तौर पर कहना है कि ऊपर से वो कौन सा प्रेशर है, किसकी कहने पर उनको वेन्यू नहीं दिया गया है किसी भी जगह में, राजधानी लखनऊ में क्यों उनके सारे वेन्यू को कैंसिल कर दिया गया, और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम करना चाहा तो उन्हें आसानी से मिल गया। तो ये सारे जो सवाल के जवाब थे वो पल्लवी पटेल लेने के लिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गई थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसी की नाराजगी को देखते हुए आज पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जो उनकी माँ है, उन्होंने आज लखनऊ के होटल में, एक होटल है होटल हयात, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं ये सारे सवाल जो है और नाराजगी जो है वो जताई है। कृष्णा पटेल जो कि माँ है दोनों ही बेटियों की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले मैं दुखी थी लेकिन आज मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी और उसके पति ने जिस तरह का जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं मैं काफी परेशान हूँ, काफी मैं टूट चुकी हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी बड़ी बेटी और उनका दामाद इस तरह का काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया पल्लवी पटेल की तरफ से कि अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तरफ जाएंगे, और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम इस वक्त मौजूदा चल रहा है उसी के साथ अपना कार्यक्रम भी करेंगे। लेकिन उसके पहले ही पुलिस बल इस होटल में पहुंचता है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद होता है, और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे जो परिवार है उसे, जो दूसरा परिवार है जिसमें पल्लवी पटेल है, उनकी माँ है कृष्णा पटेल, इन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। होटल में पहुंच करके पहले ही से पुलिस वालों ने कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग कर दी थी, कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, और जब ये माँ बेटी बाहर निकली तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अपना दल दो धड़ों में बटा हुआ है, नितिन राजनीति देखने को मिल रही है, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओपी राजभर भी है, तो उनकी मौजूदगी का कितना असर पड़ा, उनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना रहा है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर से भी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि ये लड़ाई परिवार की लड़ाई तो है ही, लेकिन इसके साथ सरकार और विपक्ष की लड़ाई हो गई है। सरकार और विपक्ष की लड़ाई इसलिए हो गई क्योंकि मौजूदा अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये दोनों ही कहीं ना कहीं सत्ता के साथ हैं, और हम लोग जो हैं हम लोग विपक्ष के साथ हैं, पल्लवी पटेल कृष्णा पटेल विपक्ष के साथ हैं, इसी वजह से ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बनाम विपक्ष की हो गई है, और इसी वजह से जो ये जो वेन्यू थे, जो स्पॉट्स थे जहां पर कार्यक्रम होने थे, उन सबको कैंसिल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा केशव देव मौर्य जो पुराने गठबंधन के साथी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आए हुए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के उन्होंने कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल का हौसला बढ़ाया। ओम प्रकाश राजभर सुबह ही आ गए थे, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं सत्ता और परिशिष्ट विपक्ष की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का ही खामियाजा ये है कि जो पल्लवी पटेल है और उनकी माँ है कृष्णा पटेल, उनके जो वेन्यू थे कार्यक्रम करने के, संगोष्ठी करने के सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर के, वो सारे रद्द कर दिए हैं। जी, पल्लवी पटेल और उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, नितिन अब आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, अब अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से आज का ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है और जिस तरह से पल्लवी पटेल पूरी फायरब्रांड नेता के तौर पर निकलकर सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि उनके पैर में कहीं ना कहीं चोट भी लगी हुई है, वो पहले व्हील चेयर से आई थी और उसके बाद वो स्टिक लेकर के चल रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और उन्होंने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका हुआ है, तो जबरन वो पुलिस की गाड़ी का गेट खोल करके बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं के बारे में बड़े बड़े बताओ कि क्या होना है, क्या उनको लेकर के जा रहे हो या नहीं लेकर के जा रहे हो, सारी चीजों को संतुष्ट करो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, और काफी बवाल, काफी हुल्ला वहां पर भी हुआ। तो ऐसे में ये साफ तौर पर अब साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं ये जो अपना दल परिवार की जो लड़ाई है ये अब और उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आई। जी, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दो लड़ाइयां देखने को मिल रही हैं और आज जो कुछ भी देखने को मिला है, ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सत्ता में अनुप्रिया पटेल है और उन्हीं की चली है, तो क्या ये माना जाए, जिस तरह के विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता में होने की वजह से जो नेता है और उनके जितने भी प्रतिनिधि है वो अपनी चलाते हैं, तो क्या इस बात को स्वीकारा जाए? नितिन, देखिए, पल्लवी पटेल से हमारी जब बात हुई है साफ तौर पर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि जब से वो सिराथू जीत करके आई है, सिराथू विधानसभा में उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जब से हराया तब से लगातार सरकार कहीं ना कहीं कभी कभी उनके घर पे पुलिस भेज रही है, सरकार उनको परेशान कर रही है, उनकी माँ को परेशान कर रही है, उनके घर को परेशान कर रही है, और एक अलग ही एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई है और दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई की वजह से ही इस तरह की चीजें हो रही हैं। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को इंगित करते हुए कहा है कि शायद आज जो हमारे स्पॉट्स, हमारे जो वेन्यू कैंसिल हुए हैं, उसमें पूरा का पूरा जो हाथ है वो केशव प्रसाद मौर्य का हो सकता है। उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि लगातार उनके क्षेत्र में जाकर के केशव प्रसाद मौर्य
की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कई सारे उल्टे सीधे कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के जो आरोप हैं वो पल्लवी पटेल ने आज प्राइम टीवी पर खास बातचीत करते हुए लगाए हैं। और इसके अलावा जो कृष्णा पटेल है उनकी माँ, उन्होंने भी इन आरोपों का कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसका जो जो जिस तरह से उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और कुछ ऐसे लोग हैं उनके परिवार के जो सरकार में शामिल है उनकी वजह से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो घट रही है हमारे परिवार में, कभी पुलिस आ रही है, कभी कभी जांच बैठ रही है, कभी कुछ भी कभी कुछ। और आज इतना बड़ा जो आयोजन होना था उस आयोजन को लेकर के जो वेन्यू थे उन वेन्यू को कैंसिल कर दिया गया। तो ये सारे जो बयान है उन बयानों से कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस परिवार की लड़ाई अब सत्ता और विपक्ष की हो गई है। जी, अपना दल कमेरावादी अब मांग क्या कर रही है नितिन? देखिए, अपना दल कमेरावादी के दोनों ही प्रमुख नेताओं को, पल्लवी पटेल जो कि सिरासत से विधायक हैं और इसके अलावा उनकी मां कृष्णा पटेल और इनके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने इस वक्त हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार किया हुआ है। और इसके अलावा उनको अभी इस वक्त ये निकटतम थाना गोमती नगर ले जाया गया है, वहां पर आगे की जो प्रक्रिया है वहां पर समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि जो चालान होता है उस चालान को करके उन्हें शाम तक छोड़ भी दिया जाए, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से आज कार्रवाई करके इन्हें हिरासत में लिया है तो कहीं ना कहीं इससे साफ साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो अब परिवार की लड़ाई है ये काफी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर में नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं एक परिवार की लड़ाई अब दो पक्षों में, यानी कि पक्ष और विपक्ष, भाजपा और सपा, जिस तरह से देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में, अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है। और आज जिस तरह से सोनेलाल जयंती का अवसर था और इसमें काफी घमासान मचा है अपना दल में, दो धड़ों में तो पहले ही बट गया था, लेकिन पूरी तरह से राजनीति देखने को मिल रही है। परिवार के अंदर की जो राजनीति कलह है उसे अब पूरा प्रदेश देख रहा है और राजनीति अपने चरम पर है। पल्लवी पटेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में ले लिया है, साथ ही नजदीकी थाने ले जाया गया है। सोनेलाल की जयंती के आयोजन का मामला था जहां वेन्यू नहीं दिया गया है। अपना दल कमेरावादी को, कमेरावादियों की तरफ से भी ये मांग थी कि वो भी सोनेलाल की जयंती मना सके, लेकिन उन्हें कहीं भी स्थान नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हयात में। कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल के समर्थकों के साथ हयात होटल से इंदिरा नगर प्रतिष्ठान जाने की बात कही गई थी, लेकिन उससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया कृष्णा पटेल को और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। कुछ देर उन्हें रोका जाएगा, जो बाकी के कानूनी कार्यवाही है उसको करने के बाद सभी को छोड़ा भी जा सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।